हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैसर गेट की ऑनलाइन क्लासेज में। यू हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड डाइजेशन इन ग्रास इंट्यूमेंट। नाउ वी स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, न्यूट्रिशंस इन अमीबा। अमीबा में पोषण। अमीबा इज एन माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। ये होता है अमीबा, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये फूड कैसे खाता है, ये कहाँ पाया जाता है। पानी वाली जगहों में पाया जाता है जिसको हम आंखों द्वारा नहीं देख सकते, ठीक है। जिसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की। ये कैसे भोजन खाता है ये देखेंगे। अमीबा इनग्लफ, इनग्लफ का मतलब होता है अंदर लेना। टीनी पार्टिकल मतलब छोटे कण ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ फास्ट फीड कॉल्ड सीडोपोडिया। ये होते हैं सीडोपोडिया, जो इसके फास्ट फीड, इसकी कोई आकृति नहीं होती, ये जी जाता है वैसे ही बन जाता है, ठीक है। फूड को पकड़ने के लिए अपने अपने आकृति को बदलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, अमीबा छोटे भोजन के कणों को पकड़ता है किसकी सहायता से, फास्ट फीड यानी इसको सीडोपोडिया बोल देते हैं। फास्ट फीड का मतलब होता है छदम पाद यानी नकली पाँव, छदम पाद बोलते हैं इनको हिंदी में, और वैसे आप बोल सकते हैं कि ये अपना नकली पाँव बनाता है भोजन को पकड़ने के लिए। द सीडोपोडिया क्लोज टू फॉर्म ए स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल। ये होता है फूड वैक्यूल जो इसके अंदर होता है। क्या है ये सीडोपोडिया, वहीं बनते हैं फूड वैक्यूल के पास बनते हैं। द फूड वैक्यूल मूव्स अराउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये जो अंदर अंदर है पूरा 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 ग्रीन ग्रीन सा, ये इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। हेयर द डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू सिंपलर एंड सोल्यूबल मोलिक्यूल। यहीं पर जो फूड आता है उसको ये ग्रहण करता है, और इसको डाइजेस्टिव एंजाइम, यहीं भोजन का पाचन होता है और उनको सरल पदार्थ में तोड़ा जाता है। द डाइजेस्ट फूड इज देन ऑब्जर्व एंड एसिमिलेटेड एंड द अमीबा ग्रो इन साइज। इसके बाद भोजन पच जाता है और अमीबा अपना और उससे न्यूट्रिएंट ले लेता है और अमीबा अपना साइज बढ़ाता रहता है, उसका साइज बढ़ जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये होती है सेल मेम्ब्रेन जो चारों तरफ होती है अमीबा के, ये इससे ये खाने को बाहर निकाल देता है अनपचा हुआ खाना। तो सीधी बात ये है, जैसे ये कोई अमीबा है, इसके पास कोई भी फूड पार्टिकल आता है, फूड पार्टिकल आने के बाद ये अपने आप को जो ये हाथ से ऐसे बना लेता है, ये बना लीजिए ना, और हाथ फूड एक बार इसके अंदर आ जाता है तो ये बंद कर लेता है। जब ये बंद कर लेता है ना तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है फूड वैक्यूल, ये बन जाता है फूड वैक्यूल। एक बार जैसे ये कोई जीव आया, इसने अपने नकली पाँव जो ऐसे बनाए इसके अंदर आते, इसने इसको क्या कर लिया, जैसे बंद कर लिया। बंद करने के बाद इसको पूरा अपने अंदर ले जाता है, किसके अंदर ले जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। जो ये जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यहाँ पे इस फूड को ऐसा कुछ जूस निकलता है, रस निकलता है, जिससे इसको सिंपल श्वास में तोड़ लिया जाता है और इससे न्यूट्रिएंट है वो ले लिया जाता है, और इससे अमीबा अपना साइज बढ़ा जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड, अनपचा हुआ भोजन, ये चारों तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन, इससे बाहर निकाल देता है, इस तरह से अपना भोजन ग्रहण करता है। हाँ, आप ये एसिडोपोडिया थोड़ी स्पेलिंग याद रखना, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग। तो आज हम करेंगे इसका ये लॉन्ग आंसर का, बट इज रूमिनेशन पेज नंबर 35 एंड बट हैपन टू द फूड वी ईट। और जब हम भोजन खाते हैं तो क्या होता है इसमें, अमाशय में और छोटी आंत में। रूमिनेशन कल बताया था, जो घास खाने वाले जानवर हैं उनको रूमिनेशन। देख लो क्वेश्चन एक बार, मैं हिंदी बता देता हूँ। ये वाला भाग, ये है पहला क्वेश्चन, बट इज रूमिनेशन। एनिमल्स वालो ग्रास एंड कलेक्ट इट इन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमच। पशु घास को निगल कर अमाशय के पहले भाग में एकत्रित कर लेते हैं, और एंड ह्यूमन एंड द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड कड। और इस जो खाने को इकट्ठा किए इस फूड को जुगाल या कड बोलते हैं,
और फिर इसको अपने मुंह में दोबारा ला के चबाते हैं, इसको रूमिनेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा घर पे गाय भैंस है, वो पहले चारा खा लेती है, चारा खा के पेट में ले जाती है, पेट में ले जाने के बाद वो पेट से में खाया हुआ भोजन वापस मुंह में लाती है और उसको जुगाली करती है। ये जुगाली करना ही रूमिनेशन कहलाता है। ये लिखा है मैंने, पशु घास को निगल कर पहले अमाशय में इकट्ठा कर लेते हैं, इसको हम कड बोल देते हैं और इसी कड को चबाते हैं तो रूमिनेशन कहलाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा और चौथा क्वेश्चन था, बट हैपन टू द फूड बी ईट इन स्टोमच, खाना को हम अमाशय में क्या होता है खाने के साथ और छोटी आंत में क्या होता है। स्टोमच इज ए जे सेप्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये जे आकार की एक थैली नुमा संरचना होती है। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस आर मिक्स विद फूड इन द स्टोमच। यहाँ पे क्या लिखा है, म्यूकस जिसको स्लेशमल बोलते हैं हिंदी में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है, और डाइजेस्टिव जूस और जठर रस खाने में मिल जाते हैं। अभी म्यूकस क्या करता है देख लो, लिखना तो नहीं आपको, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन जाएगा एक एक के बारे में लिखोगे तो। म्यूकस ये जो क्या बोलते हैं वो, हाँ स्टोमच होता है उसको बचाता है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कीटाणु को मारता है, डाइजेस्टिव जूस खाने को बचाता है। छोटी आंत में क्या होता है, हेरमानी जूस, लाइक छोटी आंत में क्या होता है, लाइक बाइल जूस, पित्तरस और पेनक्रियाटिक रस और अग्नाशय रस खाने में मिलते हैं। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप फूड बिकम डाइजेस्टिव, भोजन पाचन के योग्य बन जाता है। एंड द डाइजेस्टिव जूस इज ऑब्जॉर्ब्ड हेयर, और डाइजेस्टिव जूस को यहाँ अवशोषण हो जाता है। अब आपको इसमें एक डायग्राम बनाना है स्टोमच में, अमाशय में, सुन लो कौन सा बनाना है। ये वाला आपको डायग्राम बनाना है, ये वाला आपको डायग्राम बनाना है, किस पे बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले भाग में ये आपको डायग्राम बनाना है। ये बड़ा ये होता है माशी, ये जे आकार का ना, बस ये होता है, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। हाँ तो ये तो हो गया इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी वालों के लिए ये है जो वीडियो रोक के लिख लेंगे इसको आराम से। हाँ वो आपका चैप्टर हो गया पूरा, कल एक क्वेश्चन रहा है वो करवा देंगे, और बुक वर्क भी करवा दूंगा, ये कर लेना, ठीक है, थैंक यू।